हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे जा रहा है आपका आज का दिन? मेरा बहुत ही अच्छा जा रहा है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से अपनी टॉप लोड वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो है सैमसंग की वर्बल 6.2 kg की वॉशिंग मशीन। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आपके कपड़े जो हैं वो अच्छे भी धुलेंगे और साथ साइड बाय साइड आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके नीट एंड क्लीन कपड़े रहेंगे और आपकी जो एफर्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए चलिए वीडियो में चलते हैं। ये है मेरी सैमसंग वर्बल टॉप लोड वॉशिंग मशीन जिसका प्राइस जो है वो अमेज़ॉन पर जो है 19,000 या 15,000 की रेंज में है और मैंने सुना है कि पाकिस्तान में इसका रेट 28,000 है। आई डोंट नो, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। इसका टब जो है वो 6.2 kg का है। मैं यहाँ से इसका प्लग ऑन करती हूँ। ऊपर जो है डिस्प्ले में आपको सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। टब भी इसका बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं वर्बल 6.2 kg लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें यहाँ पर पावर का बटन ऑन करके मैं यहाँ पर अभी फीजी क्लॉथ्स धो रही हूँ। आप क्विक, अगर जल्दी में है तो आप क्विक भी धो सकते हैं। अगर बच्चे नहीं हैं आपके घर में तो टाइम कम यूज़ होता है। सॉक करके रखने हैं तो आप सॉक का बटन दबा सकते हैं। जीन्स धोनी है, ब्लैंकेट धोने हैं, सबके बटन है। यहाँ पर ऑटो टर्बो है, जैसे कि यहाँ पर मानसून का मौसम है तो आप ऑटो टर्बो पे लगा के कपड़े धो सकते हैं, जिससे कपड़े एकदम सूख के आते हैं, जस्ट आपको हवा लगानी होती है। और उसके साथ वॉश रिंस और स्पिन का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि अगर आपको सिर्फ रिंस करने हैं तो रिंस का ऑप्शन भी मिल जाता है, रिंस या स्पिन करने हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, या खाली स्पिन करने हैं वो भी आपको मिल जाता है। अभी मैंने यहाँ पर फीजी पे लगाया है और उसके बाद मैंने वाटर लेवल जो है वो 5 किया है। बहुत ही आसान फीचर्स हैं इसके। अब मैं 3 हिस्सों में अपने कपड़े वॉश करती हूँ। जैसे कि जो जीन्स होती हैं उनको अलग वॉश करती हूँ, हाथ से धोने वाले कपड़े अलग रखे हुए हैं मैंने। यहाँ पर ये जो शर्ट्स हैं वो डेलिकेट कपड़े अलग रखे हुए हैं, और जो डेली रूटीन के जैसे टॉवल्स हो गए या फिर जो नॉर्मल नाइट सूट वगैरह होते हैं वो मेरे फिजी में जाते हैं, या बेडशीट होती हैं वो भी फिजी में जाती हैं। तो यहाँ पर मैं सर्फ एक्सेल टॉप लोड लिक्विड यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टॉप लोड में हमेशा लिक्विड यूज़ करेंगे तो आपके कपड़ों के ऊपर सर्फ रहेगा नहीं। और इसके लिए एक टिप और देना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कपड़ों के ऊपर जो है सर्फ रह जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से पानी को थोड़ा सा भरने देती हूँ और उसके बाद इसमें डाल देती हूँ। डिटर्जेंट वाले उसमें नहीं डालती हूँ, जस्ट सिर्फ पानी में मैं इसे डिसॉल्व कर देती हूँ। मैं एक्चुअली क्लिप लेना भूल गई थी क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा भरने दें और झाग बनने दें, इससे डिसॉल्व हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद आप इसमें कपड़े डाल दें, जितने भी फीजी कपड़े हैं आपके, और हाथ से जैसे कि हम कपड़ों को भिगोते हैं सेम वैसे ही करना है। पहले सर्फ डाला और उसके बाद सारा डाला। तो स्टार्ट का बटन फिर से हम ऑन करेंगे और अच्छे से कपड़े जो हैं वो धुल जाएंगे। 83 मिनट्स लगते हैं अगर मैं ऑटो टर्बो करती हूँ। अगर नॉर्मल मौसम अच्छा होता है तो मैं ऑटो टर्बो नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल इन्हें एयर ड्राई के लिए ही छोड़ देती हूँ। तो इससे थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है। अगर आपको कहीं जाना है इवनिंग में तो आप बाहर कपड़े सूखने डालकर नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए अभी कपड़े मेरे धुल चुके हैं। यहाँ पर ये हाथ से धोने वाले कपड़े थे, उनको भी मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं आपको इसे स्पिन करना दिखाती हूँ। जस्ट हमें अपने टब को खाली रखना है, आपके कपड़े नहीं होने चाहिए उसमें। जस्ट इसे डालिए, बंद कीजिए, नॉर्मल पावर का बटन ऑन कीजिए और उसके साथ जो आपको दिख रहा होगा, अगर आपको रिंस करना है तो सिर्फ आप डेलिकेट पे जाइए, क्योंकि ये डेलिकेट है मेरी कुर्ती है, तो इसमें आप वाटर लेवल कर सकते हैं जितना भी रिंस के लिए आपको ज़रूरत होता है, तो रिंस हो जाएगा। रिंस और स्पिन चाहिए तो आपको 17 मिनट लगेंगे और इस तरीके से पानी आएगा और ये रिंस होके स्पिन होके बाहर निकलेगा। लेकिन मुझे अभी रिंस नहीं करना है, ये ऑलरेडी रिंस है, तो मैं इसे नॉर्मल पे करूँगी। जैसे कि स्पिन करना है मुझे, जस्ट मैं इसे डेलिकेट पे लेकर आऊँगी और स्पिन पे लेके आऊँगी और उसके बाद वाटर लेवल वगैरह ये कुछ नहीं लेगा, जस्ट स्पिन हो जाएगा। और डेलिकेट है तो इसका टाइम ऑटोमेटिकली 3 मिनट हो जाएगा। तो क्योंकि ये डेलिकेट है, फट ना जाए इसलिए बहुत ही सॉफ्टली ये इसे स्पिन करता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकालता है इसमें से। तो 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे स्टार्ट होने में, क्योंकि
जितना भी अंदर ड्रेनेज में पानी होता है वो इसे निकाल देता है, पूरा टोटली टब को ड्राई करके उसके बाद ही ये स्टार्ट होता है। ये देखिए इस तरीके से अब 3 मिनट में ये एकदम ड्राई हो जाएगा। आपकी जो कपड़े हैं, अगर आप बहुत ही डेलिकेट कपड़े हैं आपके, तो एकदम सूख कर ही बाहर निकलते हैं, जस्ट हल्का सा आपको एयर ड्राई करना होता है हार्डली आधे घंटे के लिए। अब ये हो चुका है तो मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे ड्राई करने के लिए, एयर ड्राई करने के लिए बाहर धूप में डाल दूंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं डेलिकेट कपड़े किस तरीके से धोती हूँ। सेम आपको सेम ऑप्शन करना है, पावर का बटन ऑन करना है, पीछे से पानी चलाना है, पावर का बटन ऑन करके आपको इसे डेलिकेट पे लेके आना है। लेकिन डेलिकेट कपड़े कभी भी ऑटो टर्बो नहीं होते हैं, इवन वो लेगा भी नहीं। तो अब वाटर लेवल आप सेट कर लीजिए, जितना भी आपको वाटर लेवल सेट करना है। अब पानी आ जाएगा सेम, थोड़ा सा पानी का लेवल बढ़ने दीजिए, उसके बाद ही आप इसमें सर्फ डालिए। अगर आप सर्फ ऐसे ही डाल देंगे तो सारा का सारा सर्फ जो है वो नीचे ड्रेनेज में चला जाता है। तो जब थोड़ा सा वाटर लेवल हो जाए, जिस तरीके से इसमें दिखाया हुआ है उस तरीके से, तो तब आप इसमें सर्फ डालें। और हमेशा ध्यान रखें, डेलिकेट कपड़ों में आप सिर्फ एक ढक्कन डालेंगे, और अगर आप थोड़ा सा फीजी कपड़े धो रहे हैं तो उसमें आप 1.5 ढक्कन डाल सकते हैं कपड़ों के अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने 1 ढक्कन डाला है और उसके बाद मैं ये कपड़े डाल दूंगी, जो साफ साफ कपड़े हैं वो मैं पहले डाल दूंगी। नहीं तो अगर आप शर्ट्स वगैरह आपकी बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं या आपके घर में बच्चे हैं, तो आप उन्हें पहले उनके कॉलर, जो फ्रंट वाला ऑप्शन होता है, मतलब जहाँ पर पॉकेट होती है उसे, और हैंड के जो ग्लव्स होते हैं उन पोर्शन को अच्छे से आप एक बार ब्रश मार लीजिए, ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए। नहीं तो ये साफ नहीं होते। और जो डेलिकेट एकदम कई सूट्स होते हैं जिनके ऊपर पर्ल्स होते हैं, तो आप इस तरीके की नेट ले सकते हैं और उसमें डालकर आप धो सकते हैं। तो ये टूटते फूटते नहीं हैं अगर आपके पास कोई ऐसे पर्ल्स वाले होते हैं। और ये जो मैंने नेट वाला बैग लिया था, ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, बहुत ही अच्छे से रिंस हो जाते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हमने इसके अंदर डाल के रखा है तो वो क्लीन नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब कपड़े जो हैं वो धुल चुके हैं। जो डेलिकेट कपड़े होते हैं उनके टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, 35 मिनट्स में आपके कपड़े धुल जाते हैं। और जीन्स में उतना ज़्यादा ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। और अगर आप ब्लैंकेट धो रहे हैं तो आप 1 से 1.25 घंटा लेकर चलें, और अगर आप उसे ऑटो टर्बो पर लगाते हैं तो आप कम से कम 2 घंटे लेकर चले, कि 2 घंटे आपकी वॉशिंग मशीन चलने वाली है। तो ये तो अभी डेलिकेट कपड़े भी जो हैं वो धुल चुके हैं। अब मैं इसका पावर जो है ऑफ कर दूंगी, और पीछे से वाटर को बंद करना मत भूलिएगा, नहीं तो लीकेज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है टैप में से। तो अब मैं इसे फटाफट से एयर ड्रायर के लिए डाल दूंगी। तो ये था एक छोटा सा डेमो वीडियो मेरी वॉशिंग मशीन का, और इसमें मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के लिए कवर किए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। और इससे रिलेटेड मैंने अपनी लॉन्ड्री रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या इस वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन में दिख जाएगा, तो उसे भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए एक बार टिप्स को दोबारा दोहरा लेते हैं। पहली टिप ये थी कि हमेशा टॉप लोड में लिक्विड सर्फ का इस्तेमाल करें, लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें, ताकि वो कपड़ों पे ना चिपके। दूसरा टिप मैंने ये दिया था आपको कि हमेशा वाटर लेवल को आधा होने के बाद ही आप अपने लिक्विड सर्फ को डालें। अगर आप सॉलिड सर्फ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी ऐसे ही इस्तेमाल करें, ताकि वो पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाए और उसके बाद ही आप अपने कपड़े डालें। नेक्स्ट स्टेप ये थी कि आप हमेशा कपड़ों को कैटेगरी वाइज ही डिवाइड करें, फिजी कपड़े अलग, डेलिकेट कपड़े अलग, और जीन्स वगैरह अलग, ब्लैंकेट्स अलग, सबको एक साथ नहीं धोएंगे। अगर ब्लैक कपड़े आपके ज़्यादा हैं तो ब्लैक कपड़ों को भी अलग से धोइए, ताकि उसके ऊपर भुएं ना चढ़े, यानी कि जो दूसरे कपड़े का कॉटन होता है वो उसके साथ ना चिपके। तो ये था मेरा एक छोटा सा डेमो वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और लाती रहूं, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहूं व्लॉग्स के साथ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने सजेशंस जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ताकि मैं व्लॉग्स के साथ साथ आपके लिए कुछ इफ़ेक्टिव वीडियोस बना सकूं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़
जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको हिट करना मत भूलिएगा, उसके साथ जो बेल बटन है उसको भी प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल जाए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।